नमस्कार बच्चों लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। सुबह के 9 बज चुके, नवदीप सर लाइव आ चुके और अब आज हमेशा की तरह चर्चा होने वाली है ज्योग्राफी की। वैसे तो हमेशा हम ज्योग्राफी की चर्चा नहीं करते, आजकल पढ़ रहे हैं हम लोग पॉलिटी, लेकिन आज ज्योग्राफी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपको कांटे बनकर चुभते हैं। ऐसे भी तो बहुत सारे प्रश्न है ना जो कांटे बनकर चुभ रहे हैं, तो ज्योग्राफी भूगोल के संपूर्ण निचोड़ के इस सेशन में आइए आने वाले 2 घंटों में उन प्रश्नों को कर लिया जाए जो प्रश्न हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे, थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे और तो और बहुत सारी चीजें चर्चा करके हम लोग समझेंगे कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो एक बार सभी को बहुत प्यारा सुप्रभात, नमस्कार और चलिए आज के इस सेशन को करते हैं शुरू। आज के सेशन को हम लोग जानना शुरू करते हैं, लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और वो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग वैसे भी जानते हो, मैं आप लोगों के साथ वो महत्वपूर्ण जानकारी शेयर भी कर देता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, एक महत्वपूर्ण जानकारी होने के नाते या महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, कि अगर आप में से किसी ने अभी तक अड्डा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट अड्डा ऐप डाउनलोड कर लो। जो लोग लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उन सभी के लिए, अच्छा रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं उनके लिए तो डिस्क्रिप्शन में रखवा दिए हैं अड्डा ऐप डाउनलोड करने की लिंक, और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो आप कॉमेंट सेक्शन में देखिए। आपके कॉमेंट में पहला कॉमेंट लगा हुआ है और ये पहला कॉमेंट है अड्डा ऐप को डाउनलोड करने का ब्लू कलर से। साथ ही साथ इसके अलावा अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं तो इसी ऐप पर ही मिलेगा। आप ये वाला स्टेप फॉलो करिएगा, ऐप के अंदर होम पेज पे जाके, कम्युनिटी में जाके, एक्सप्लोर ग्रुप में जाके जीएस बाई नवदीप सर पे आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे एसएससी अड्डा 24/7 परिवार को। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि लो आ गया एसएससी जीडी मेला। बहुत कुछ बहुत शानदार होने वाला है। कब? तो देखो दोस्तों आज तो है 19 नवंबर, कल होगी 20, परसों होगी 21 और नर्सों होगी 22। तो 22 नवंबर को शाम को 7 बजे होने वाला है कुछ खास, यानी कि आज कल परसों को छोड़ करके नर्सों कुछ खास होने वाला है, और वो आप लोग शाम को 7 बजे हमारे इसी एसएससी अड्डा 24/7 पर जुड़ करके जान पाएंगे। आगे बढ़े तो दोस्तों सबसे पहला एक प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा एक सिमेटिक जनजाति नहीं है? अब आप खुद ही सोचिए सिमेटिक का मतलब क्या होता है सबसे पहले, और फिर सिमेटिक जनजाति ना होने का मतलब क्या। आप लोगों ने सुना ऐसे सिमेटिक रिलीजन, सिमेटिक ना ट्राइब्स, सिमेटिक पीपल, कभी आप लोगों ने सुना कि नहीं? सभी को बहुत प्यारा गुड मॉर्निंग, बहुत प्यारा गुड मॉर्निंग हम देख पा रहे हैं। माही, अनुराधा, शिव, ऋषु, ऋषभ, शुभम, सभी को नमस्कार जी। बताओ जल्दी से सिमेटिक ट्राइब इनमें से कौन सी एक नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ईरानियन। जो ईरानियन लोग होते हैं, ईरानियन लोग ना सिमेटिक ट्राइब नहीं कहलाते हैं। उसके पीछे भी मैं अभी आपको आगे चल करके बताता हूं वजह। देखिए हमारा ये जो पीपीटी का चेंजर है, इस पीपीटी के चेंजर को शहीद होना पड़ गया, और अब ये इतना शहीद हो चुका है कि ये इस स्थिति में ही नहीं है कि इस स्थिति में आ करके ये ठीक ठाक हो जाए। तो देखो दोस्तों जो ईरानियन होते हैं, ये ईरानियन लोग एक सिमेटिक जनजाति नहीं है। अब सिमेटिक के बारे में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे आगे चल करके। बहरहाल एक ही जगह पर, एक ही धर्म और विश्वास पर, एक ही पूजा पद्धति पर, एक ही फेथ को मानने वाले ऐसे लोग आमतौर पर सिमेटिक रिलीजन्स में गिने जाते हैं। अभी मैं आपको इनके बारे में और भी कुछ बताऊंगा तो आप देख पाएंगे। जनजातियों को तो वैसे आपने देखा होगा, अरे मैं तो एक बार को खुद ही ना चौंक गया था कि ये कौन है। भैया ये जनजातियां हैं, ये अपने हिसाब से, अपने तौर तरीकों को, अपने रहन सहन को, अपने विश्वास को, अपने फेथ को अलग तरीके से मानते हैं। इनका जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है दुनिया में, है ना। ये किसी बात पर विश्वास नहीं करते जो बाहरी दुनिया की है, और तो और अगर मान लो कोई बाहरी दुनिया वाला पहुंच भी जाए ना तो पता चले कि उसको लटका ही दे। ऐसा हुआ था ना एक बार, अमेरिका का कोई नागरिक था जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अंडमान एवं निकोबार में पहुंच गया था, वहां की सेंटिनल जनजातियों ने उसको पकड़ करके टांग दिया था उल्टा।
अब अमेरिका बोल रहा है भारत से कि आपके इस क्षेत्र में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कैसे हुई, और भारत कह रहा है अमेरिका से कि आपका नागरिक वहां कर क्या रहा था जहां हमें खुद जाने की इजाजत नहीं है। समझ रहे हो? वो तो ये तो बात है। खैर देखो दोस्तों, एनएस जनजाति कहां की है मैं आपको बता देता हूं, जल्दी जल्दी आप ध्यान दे लीजिए। एनएस जनजाति कहां की है? तो एनएस जनजाति है जापान की। पूछा जा सकता है एनएस जापान में लोग होते हैं, देखिए महिलाएं भी वहां की थोड़ा मूंछों को बनाती हैं, और ये अलग स्टाइल का एकदम ना जनजातियों का रहन सहन होता है। इसके अलावा बेडोइन जनजाति जो होती है वो सहारा और मध्य पूर्व की जनजाति होती है, और बेडोइन आप देखो कि सहारा के मरुस्थल में, ठीक है। आगे चले तो आगे बेडोइन के अलावा ये देखो, बेडोइन लोग ना इस तरह सहारा के मरुस्थलों में घर बना के रहते हैं, वहां के जो छोटे मोटे पहाड़ हैं उन छोटे मोटे पहाड़ों को काट काट के उनके अंदर गुफाओं में निवास करते हैं। ये बिंदीबू या आदिवासी जो होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है, और बिंदीबू जनजाति को आप देख पा रहे हो, ये रिचर्ड अंकल को छोड़ दीजिए बाकी लोग ये बिंदीबू जनजाति के हैं ऑस्ट्रेलिया के। इसके अलावा आगे बढ़े तो ये बिंदीबू के अलावा बुशमैन जो होते हैं ये कलाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, और आप सभी को पता है कलाहारी मरुस्थल कहां है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बोत्सवाना नाम का देश है, बोत्सवाना नामीबिया आसपास के जो देश हैं वहां कलाहारी मरुस्थल पाया जाता है अफ्रीका में, ठीक है। और ये तो बुशमैन जो जनजाति होती है, सबसे पहले बुशमैन की ही चर्चा की थी, ये बुशमैन जनजाति कलाहारी मरुस्थल में ही पाई जाती है। अब ये बताइए जल्दी से, डेन्यूब नदी कहां की एक बहुत ही प्रमुख नदी है, जल्दी चर्चा करके बताओ। अरे भैया कमेंट रेट बढ़ाइए, ऐसे नहीं चलता, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करेंगे। डेन्यूबे नदी या डेन्यूब नदी कौन से देश की या कौन से प्रदेश की या कौन से महाद्वीप की प्रमुख नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप की एक बहुत प्रमुख नदी है जिसका नाम है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी निकलती है जर्मनी से, ये देखिए, और जर्मनी से निकलकर आगे की तरफ बहते हुए ये जाकर काला सागर में गिर जाती है। यूरोप की सबसे प्रमुख नदियों में से एक, यूरोप की जीवन रेखा के रूप में काम करती है डेन्यूब नदी। इसको कुछ लोग दानूबे भी कहते हैं, तो दानूबे कहें डेन्यूब कहें आप समझ जाइएगा। दूसरी चर्चा यह है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा, ये नाम भी याद रखना है आपको। और तीसरा, डेन्यूब नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो देखिए ऑस्ट्रिया एक देश है, और आप सभी जानते हो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये सब जो मैं नाम ले रहा हूं इनके हेडक्वार्टर्स वियना में है दोस्तों। आपको पता है ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, इन सब के हेडक्वार्टर्स कहां हैं? भैया इन सब के हेडक्वार्टर्स वियना में है, और वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की कौन सी नदी के तट पर? डेन्यूब नदी के तट पर। उसके बाद एक और देश है जिसका नाम है हंगरी, और हंगरी की राजधानी है जिसे कहते हैं बुडापेस्ट। क्या कहते हैं? हंगरी की राजधानी को कहते हैं बुडापेस्ट। और ये जो बुडापेस्ट राजधानी है हंगरी की, ये कहां है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये इसी नदी के किनारे है। और तो और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, बेलग्रेड भी इसी नदी के किनारे है। तो ये बहुत खास बात है इस नदी के बारे में, ठीक है। आगे चले समीर खान, वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। मैंने ऑस्ट्रेलिया लिखा है क्या यहां पर? AUSTRIA, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, एक महाद्वीप भी है, हालांकि उस महाद्वीप को अभी आजकल ऑशियानिया का नाम दिया जाता है। और स्पेलिंग सही लिखो शुभम सिंह राजपूत, भैया छठ पूजा की शुभकामनाएं आपको, लेकिन छठ पूजा के चक्कर में यह मत भूल जाइए कि हंगरी की स्पेलिंग HUNGARY है, HUNGRY नहीं। जल्दी से बताओ साउथ अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बताइए दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? कूल टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो देखो दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका बोल दिया मैंने, अमेरिका, साउथ अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के कूल और टेम्परेट यानी कि ठंडे जो घास के घास मैदान है उन्हें कहा जाता है पैम्पास। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? पैम्पास कहते हैं, यह बात याद रखिएगा। देखिए दुनिया भर में घास के मैदानों को क्या क्या नाम दिया गया है यह भी आप लोग एक बार देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में इनको प्रेरीज कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका में इनको पैम्पास कहा जाता है, लेकिन ब्राजील और वेनेजुएला की कहानी अलग है। सबसे पहले ब्राजील की कहानी जान लो, तो ब्राजील में जो घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है कैम्पोस, ठीक है ना। ब्राजील में घास के मैदानों को कैम्पोस कहा जाता है, और वेनेजुएला में घास के मैदानों को कहा जाता है लानोस,
तो ये दो शब्द आपके लिए एकदम क्लियर होने चाहिए। ऊपर की तरफ टुंड्रा, चलिए वो तो ठीक है। हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, हंगरी वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, जहां की राजधानी बेलग्रेड है, तो याद रखिएगा हंगरी, और हंगरी के घास के मैदानों को कहा जाता है पुस्ताज। क्या कहते हैं? पुस्ताज। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा इन्हें डाउन्स कहा जाता है। ये सब एमपीपीएससी के पूछे हुए प्रश्न हैं। किसके बारे में? एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बहरहाल आगे बढ़े तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, रूस में स्टेपीज, अफ्रीका में भूमध्य रेखा के ऊपर सवाना, भूमध्य रेखा के नीचे वेल्ड, याद रख लेना। आगे बढ़े, बताओ कलाहारी मरुस्थल कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? अभी अभी मैं बोत्सवाना देश का नाम ले रहा था, और जितने लोग लाइव हैं एक बार फटाफट लाइक कर दें सेशन को भैया, ये बताइए, हलवा पूड़ी बटवाएं तब लाइक करेंगे आप। बताओ बताओ, चलो जल्दी जल्दी आंसर करो। कलाहारी जो मरुस्थल है ये कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? तो कलाहारी मरुस्थल जिस महाद्वीप का हिस्सा है उसे कहते हैं हम लोग अफ्रीका। अभी अभी कहे थे थोड़ी देर पहले कि बोत्सवाना जो देश है, बोत्सवाना देश नामीबिया देश में फैला हुआ ये मरुस्थल, और दक्षिण अफ्रीका के हिस्से में, मैं दक्षिण अफ्रीका देश की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में। और ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में सहारा मरुस्थल है, और अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में देखिए यहां पर एक मरुस्थल है जिसे नामिब मरुस्थल और कलाहारी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नामिब नामीबिया और कलाहारी नामीबिया और बोत्सवाना जैसे देशों में। अब ये बताइए जोंडा, जोंडा जो विंड्स हैं, जोंडा जो स्थानीय पवने हैं, ये कहां पाई जाती हैं, कहां चलती हैं, ये बताओ जल्दी, है ना? जोंडा जो पवने हैं, जोंडा स्थानीय पवने कहां चलती हैं? अर्जेंटीना में चलती हैं, कनाडा में चलती हैं, जर्मनी में चलती हैं, कि ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं? और इसका सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर है, अरे रुको यार कहां भागे जा रहे हो, ये चलती हैं अर्जेंटीना में। देखो बात ही मानने को तैयार नहीं, रुकिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अर्जेंटीना में चलने वाली जो हवाएं हैं, अर्जेंटीना में चलने वाली हवाओं को जोंडा कहा जाता है। जोंडा हवाएं अर्जेंटीना में भी चलती हैं, अर्जेंटीना के साथ साथ कहां चलती हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा वो अर्जेंटीना में चलने वाली जोंडा हवा, अर्जेंटीना में एक और हवा चलती है जिसका नाम है पैम्पेरो। तो पैम्पेरो और जोंडा, ये विश्व भूगोल के थोड़े थोड़े प्रश्न हैं, आप लोग कठिन लग रहे होंगे। अच्छा एक बात बताइए जल्दी से, कौन सी हवा है जिसे हिमभक्षी कहा जाता है? एक हवा है जो प्रशांत महासागर की तरफ से आके रॉकी पर्वतों के ऊपर की बर्फ पिघला देती है, गर्म हवा है, और ये गर्म हवा को कहते हैं चिनूक, और इसे हिमभक्षी कहा जाता है। हिमभक्षी कहने के पीछे लॉजिक ये है कि गर्म हवा है और इसलिए यहाँ के स्नो को पिघला देती है, तो इसे स्नो ईटर कहते हैं, हिंदी में हिमभक्षी कह दिया। और तो और यहाँ पे एक हर्मटन हवा है जो हवा की नमी को खत्म करती है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया नहीं पनपते, तो इसे कहा जाता है डॉक्टर विंड। आपको पता है अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए डॉक्टर पवन किसे कहते हैं, तो डॉक्टर पवन, एक तो पॉलिटी पढ़ाते हैं आपको डॉक्टर पवन मोरल सर है ना, और दूसरा जो है डॉक्टर पवन वो है हर्मटन हवा। क्या है भैया? हर्मटन हवा है। अब एक बात बताओ जल्दी से, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करोगे कि हम फिर इजी इजी क्वेश्चन पढ़ा दें आपको? नहीं बन रहे हैं तो सेशन ही शेयर नहीं हो रहा है। बताओ ये स्थानीय हवाएं हैं दोस्तों, स्थानीय हवाओं के बारे में पूछा जाता है। ये जब पीडीएफ देंगे आपको तो कम से कम इतना याद कर लीजिएगा कि कौन सी हवा कहां पर चलती है, ठीक है? ठंडी और गर्म तो पूछे ही जाते हैं। अब बताओ जैग्रोस जो पर्वत श्रृंखला है, जैग्रोस पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? इराक में है, ईरान में है, अफगानिस्तान में है, कि तुर्की में है? और जैग्रोस पर्वत श्रृंखला जो है ये ईरान में स्थित है। तो दोस्तों आइए जैग्रोस के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। चूंकि ये ईरान में स्थित है, आप देख सकते हो यहां ये ईरान का नक्शा है, और इस ईरान के नक्शे को हमने लिया है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अब एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, लत और कबीर ये दो नेशनल बड़े बड़े मरुस्थल हैं, ये मरुस्थल भी ईरान के अंदर ही मौजूद हैं। और तो और ये जैग्रोस माउंटेन ये भी ईरान के अंदर ही है। एक ऐसा ज्वालामुखी है जो अब नहीं फटता, एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, वह भी मौजूद है इसी ईरान के अंदर। और दोस्तों वो जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, उस एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का नाम क्या है? तो उस एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का नाम है देवमेंद।
अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ये बताइए ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो पहले एक ज्वालामुखी हुआ करता था ईरान का, तो उसका नाम है देवमेंद, है ना। पहाड़ों को ना उर्दू में कुह कहा जाता है, उर्दू में, अरबी में, ये देखिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कुह, है ना, तो आप यहां उसे कोह कह दोगे। जैसे अमीर खुसरो को तूतिये हिंद कहा जाता था, उसे चाहे आप तूतिये हिंद कहिए या तोताए हिंद कहिए, बात बराबर ही है, क्योंकि तूती और तोता एक ही शब्द है। अरबी और उर्दू का फर्क है, अरबी और हिंदी का फर्क है। कबीर कुह, जैग्रोस माउंटेन्स, मंजर भोपारी साहब का एक बहुत बड़ा बढ़िया सा शेर है। और ये देखो यहाँ पे, अभी जैसे एक स्टूडेंट है हमारी, वो लिख रही है कि ईरान में जो एक अक्रिय ज्वालामुखी या एक विलुप्त ज्वालामुखी है उसका नाम देवेंद्र है। अरे देवेंद्र नहीं है, देवमेंद है। देवमेंद और देवेंद्र में फर्क है, ठीक है। तो मंजर भोपाली साहब का एक बहुत शानदार शेर है, आप लोग भी सुन लीजिए और हो सके तो लिख करके जहां पढ़ाई करते हैं वहां चिपका लीजिएगा। एक नया मोड़ देते हुए फिर फसाना बदल दीजिए, या तो खुद बदल जाइए या जमाना बदल दीजिए। अहले हिम्मत ने हर दौर में कोह काटे हैं तकदीर के, हर तरफ रास्ते बंद हैं, ये बहाना बदल दीजिए। तो अहले हिम्मत ने, इसका मतलब आपके साहस ने, हर दौर में कोह काटे हैं तकदीर के। तकदीर के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या बदकिस्मती के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनको साहस ने ही हमेशा काटा है। तो हर तरफ रास्ते बंद हैं, ये बहाना बदल दीजिए। आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग कोल्ड आइसी विंड ब्लोइंग इन द पोलर रीजन इज नोन एज, ध्रुव प्रदेशों में चलने वाली शीतल बर्फीली पवन क्या कहलाती है। और दोस्तों इसका सही आंसर है ब्लिजर्ड, क्योंकि देखिए चिनूक को अभी अभी हमने क्या कहा, इसे कहा है हमने स्नो ईटर, हिंदी में कहा इसे हिमभक्षी, और तो और इस हिमभक्षी के नाम पर एक हेलीकॉप्टर भी अमेरिका का है ना, एक हेलीकॉप्टर है अमेरिका का, और वो हेलीकॉप्टर हम भारत भी परचेज करके लाए हैं अमेरिका से। हरमटन हवा जो है, इसके बारे में कहा मैंने कि इसे कहते हैं डॉक्टर विंड, क्या कहा जाता है इसे, इसे डॉक्टर पवन कहा जाता है। और एक और डॉक्टर पवन कौन है है ना, नमस्कार जी, सत श्री अकाल, एक और डॉक्टर पवन कौन है, तो आप सभी को पता है पॉलिटी वाले सर, डॉक्टर पवन मोरल सर। चलिए, अच्छा मैं उनको डॉक्टर क्यों कहता हूं ये बात आप उनसे पूछिएगा कि नवदीप सर आपको डॉक्टर क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या कहानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे चल करके एक और प्रश्न आपसे पूछेंगे, ये स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और किसको जोड़ती है। जल्दी से बताइए कौन सा है ना, कौन सी नहर है जो, या भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो देखो दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी को किससे जोड़ती है, अच्छा मेडिटेरेनियन सी तो ऑलरेडी है, तो मेडिटेरेनियन सी को जोड़ देगी रेड सी से, किससे, लाल सागर से। तो लाल सागर और मेडिटेरेनियन सी आपस में जुड़े हुए हैं, और ये स्वेज नहर के माध्यम से। एक वो मोटिवेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में आया है, तो थोड़ा उस मोटिवेशन को ले लिया जाए, और मोटिवेशन लेने पर हमें ये पता चलता है कि ऋषु कह रहे हैं हिम्मत नहीं हारना चाहिए, दूध फटने पे वही लोग डरते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इस लेवल का मोटिवेशन, ये जो ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी वाला मोटिवेशन है, ये छोड़ दो लेना, ठीक है, कि जा हसीना चली जा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं, जब से तू गई है उसके बाद तो कोई भी जिंदगी में आता जाता रहे, मैं एक प्लेटफॉर्म हूँ, वो एक ट्रेन की तरह आती है चली जाती है, दूसरी ट्रेन आती है चली जाती है, ये सब, ये जो ट्रक के पीछे वाली शायरी है ना जो लिखी रहती है, छोड़ दो इस तरह का मोटिवेशन कि दूध फटने में वही लोग डरते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता इस लेवल का मोटिवेशन कहाँ से लेके आते भाई अगर मान लो तुम चाय बनाने के लिए 10 रुपए का दूध लेके आए, 10 रुपए का पैकेट आता है ना छोटा वाला, 200 ml वाला, अब वो 10 रुपए का पैकेट लेके आए और वही फट गया, तो दोबारा जाना पड़ेगा ना, अब उसकी पनीर बना भी लोगे तो कितनी, इतनी बड़ी से पनीर का गोला बनेगा एक, तो भाई आगे बढ़ते हैं यार, आप लोग ना कॉमेडी हो, कुछ भी कहो यार। तो देखो भूमध्य सागर हो गया एक, और इधर हो गया लाल सागर, लाल सागर
हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर का भूमध्य सागर और हिंद महासागर का लाल सागर, ये दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा स्वेज नहर से जुड़े हुए हैं। और स्वेज नहर कौन से देश के कंट्रोल में है? इजिप्ट की। इजिप्ट की बाउंड्री देख रहे हो आप लोग, इजिप्ट की बाउंड्री देखो, ये बाउंड्री है और ऐसे सीधे सीधे खींची हुई है, ठीक है? इजिप्ट जो है वो सीधे सीधे ऐसे बाउंड्री खींची हुई है। आपने देखा कभी ऐसे किसी की इतनी बढ़िया रेक्टेंगुलर बाउंड्री? चलो आगे बढ़े। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए अब आ जाइए, वापस आ जाइए, मस्ती मजाक का टाइम गया। देखो दोस्तों, अगर साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की चर्चा की जाए तो वो अकोंकागुआ है। जैसे किलिमंजारो की बात करें, किलिमंजारो जो है ना वो तंजानिया में है, और तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो तंजानिया नाम का एक देश है, तंजानिया नाम के देश में वोल्केनो की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से ये पर्वत बना था जिसे किलिमंजारो कहते हैं। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,890 मीटर के आसपास है, या 5,893 मीटर के आसपास होगी, ठीक है? अब अकोंकागुआ की चर्चा हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि अकोंकागुआ की ऊंचाई जो है वो लगभग 6,959 मीटर के आसपास है। तो अकोंकागुआ और ये ओजोस डेल सेलेडो, हालांकि एंडीज पर्वत श्रृंखला भारत ही नहीं पूरे विश्व की, अच्छा भारत की तो है ही नहीं, भारत में तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हम हिमालय को मानेंगे, पूरे विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, और एंडीज का सबसे ऊंचा पॉइंट है अकोंकागुआ, जो कि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। लेकिन अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर एक और ओजोस डेल सेलेडो नाम की चोटी है, जो कि ज्वालामुखी से बना पर्वत है, यह एंडीज पर्वत का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा, पुना डी अटाकामा नाम का एक ज्वालामुखी हुआ करता था, उस ज्वालामुखी के बड़े होने की वजह से ओजोस डेल सेलेडो नाम का एक बहुत ही ऊंचा पर्वत बना है। देखो, एक हमारे स्टूडेंट है कुना मिर्धा, कह रहा है कि दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास, अच्छा पूछ रहा है इज दिस अ रिकॉर्डेड क्लास, सी व्हाई डू यू पीपल कंसीडर एनी क्लास एज रिकॉर्डेड क्लास, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, जस्ट बिकॉज आई एम रिप्लाइंग टू द कॉमेंट्स, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज अ रिकॉर्डेड क्लास और नॉट। इफ आई हैव टू रिकॉर्ड एनी क्लास, आई डेफिनेटली बी रिकॉर्डिंग इट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। Here we have a good amount of time to have a proper engagement with you all, and that's why. ठीक है, आगे बढ़े। एक और प्रश्न है, which is the world's largest cold desert, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल अगर आप है ना अगर आप चर्चा करो तो वह है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताइएगा सहारा। मेनलैंड में सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल सहारा, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो बड़ा मरुस्थल क्या हो जाएगा? डेफिनेटली वो अंटार्कटिक हो जाएगा। अच्छा देखो, इसके अलावा तकला मकान ये कहाँ है? चाइना में है कि नहीं? ये चाइना में है। अटाकामा, अटाकामा कहाँ है? तो अटाकामा जो है ये साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका के हिस्से में अटाकामा नाम का मरुस्थल स्थित है, ठीक है? चले बबुआ आगे बढ़ते हैं। अब बताओ जल्दी से, कौन से देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? बताओ बताओ, कौन से देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? एक बार जल्दी से दोस्तों सेशन शेयर करो यार, है ना? कंचनजंगा भी एक पीक है इंदिरा, कंचनजंगा सिक्किम में, हमारे भारत में, भारत प्रशासित जगहों में सबसे ऊंची चोटी है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है अभी, पर बहुत जल्दी हमारे कब्जे में आ जाएगी। कौन से देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में कोयले का सबसे ज्यादा भंडार है, याद रखिएगा आप। और ये देखो, अमेरिका में लगभग पूरे दुनिया का 26.6% कोयला स्थित है, 237 बिलियन टन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रशिया, 157 बिलियन टन। फिर तीसरे नंबर पे चाइना है, 114.5 बिलियन टन। और फिर चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 76 बिलियन टन। और पांचवें पे है भारत, 6.8% पूरे विश्व का, यानी कि 61 बिलियन टन, है ना? 61 बिलियन टन जो है ये भारत में कोयले का भंडार है। आगे बढ़े तो एक और प्रश्न है, ये बताओ जल्दी से कि कौन से देश की सबसे
लंबी समुद्र तट रेखा है, भारत की, कनाडा की, यूनाइटेड किंगडम की या ऑस्ट्रेलिया की? बताओ जल्दी से, आंसर करिए। सबसे लंबी तट रेखा कौन से देश की है, भारत, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया? देखो देखो, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं, इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी तटरेखा अगर किसी की है तो वो है कनाडा नाम के देश की। कनाडा जो है, अच्छा इनके आंसर्स ना आगे वाली स्लाइड में दिए हुए हैं, जैसे आंसर बी लिखा हुआ है तो ये आप समझ जाइएगा, ऐसा आप टेंशन मत लीजिएगा कि उसी पेज पर आंसर क्यों नहीं आते। क्या है, इसी को हम कई बार पीडीएफ में कन्वर्ट करके पढ़ाते हैं तो एनिमेशन पीडीएफ में अपने आप छप जाता है, फिर हम आंसर छुपा नहीं पाते, इसलिए हम आंसर जो है अगली स्लाइड पर रख देते हैं। तो आप ऐसे टेंशन मत लेना कि इसके आंसर्स नहीं है सर। देखो दोस्तों, पूरी दुनिया में कनाडा की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, जैसे मील में कितने मील की कोस्ट लाइन या कितने लंबी तटरेखा है कनाडा की, तो कनाडा की 125,566 मील लंबी तटरेखा है। अब 125,566 को अगर आप 1.6 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो अगर मैं ही मल्टीप्लाई करके देखूं तो क्या निकल करके आएगा, तो दोस्तों 125,566 × 1.6 ये लगभग 2,905 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। देख रहे हो बबुआ, 2,905 किलोमीटर लंबी तटरेखा, तो ये इतनी ज्यादा लंबी तटरेखा है, याद रहेगा। तो फिर ये हो गया परफेक्ट। अब आगे बढ़े तो एक और प्रश्न है, हाँ कनाडा देख लो यार, हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर का सागर, आर्कटिक महासागर, और कनाडा की राजधानी क्या है, कोई बता सकता है? कनाडा की राजधानी है ओटावा, और ओटावा देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर पर है। एक और प्रश्न बताओ जल्दी से, कौन सा ऐसा महासागर है जिसे बिजिएस्ट ओशियन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स माना जाता है, व्यापार और वाणिज्य के लिए कौन सा सागर सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है, बताइए। व्यापार और वाणिज्य ना, व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्त महासागर कौन सा माना जाता है, हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत या आर्कटिक? और दोस्तों इसका सही उत्तर आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा व्यस्त अगर कोई है तो वो अटलांटिक है। अब देखिए इसका भी आंसर जो है ना, इसका भी आंसर देखिए यहां पर अगली स्लाइड में आंसर बी दिया हुआ है, आप खुद ही देख लो क्यों है सबसे ज्यादा व्यस्त। जो महासागर अमेरिका और यूरोप के बीच में होगा वो सबसे ज्यादा व्यस्त ही होगा। और एक बात बताएं, दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापारिक मार्ग समुद्री मार्ग ही हैं, मतलब ना तो ट्रेन के माध्यम से उतना व्यापार होता, ना बैलगाड़ी के माध्यम से, ना रोड के माध्यम से, और ना ही एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। आप मान के चलिए कि जल सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला व्यापारिक तरीकों में से एक है, जल मार्गों का उपयोग होना। चलो आगे चले, कौन से देश हैं जो 49वीं समानांतर रेखा से अलग होते हैं, मतलब किन दो देशों के बीच का बॉर्डर है 49वीं समानांतर रेखा? जैसे आपको एक बात बताएं, ठीक है, हां कम्युनिटी पे दे देंगे स्वीटी पाटिल पीडीएफ, टेंशन मत लो, कम्युनिटी पे दे देंगे, आज दे देंगे। हम आपको डेली के डेली पीडीएफ इसलिए नहीं देते क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो, डेली जब हम क्लास पढ़ाते हैं उसका नोट्स भी तो बनाया करो, और फिर उसमें दो दो दिन तीन तीन हजार क्वेश्चन की पीडीएफ दे देता हूं, उन्हीं में से तो मैं क्वेश्चन करवाता हूं, तो ये कर लिया करो, ठीक है दोस्तों। चलो चलो चलो, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आप मुझसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी दोनों, मतलब चारों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो ना, तो मेरा वीडियो कोर्स है जिसका नाम है समाधान बैच। अब ये समाधान बैच में पीडीएफ का थोड़ा इशू है क्योंकि वीडियो कोर्स में पीडीएफ मिलता नहीं, तो आप मुझे वैसे भी सोशल मीडिया पर ढूंढ ही लेते हो, नवदीप सर के नाम से आप ढूंढ लो और वहीं पर मांग लेना, वहीं पर मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ। और दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियो कोर्स होते हैं ना हमारे, इस वीडियो कोर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के पहले ही बढ़िया रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, आप आराम से पढ़ाई करिएगा जबरदस्त तरीके से। उसके अलावा देखो दोस्तों, यूएसए और कैनेडा ये आपस में अलग होते हैं 49वीं समानांतर रेखा से। आपको एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न पूछूं कि ये बताइए कौन से दो देशों के बीच में मेडिसिन लाइन नाम की एक रेखा है, अब बता सकते हो मेडिसिन लाइन, दो देशों के बीच का बॉर्डर मेडिसिन लाइन, दो देशों का बीच का बॉर्डर मेडिसिन लाइन जो है वो यूएस और कनाडा के बीच का ही बॉर्डर है। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रश बैगॉट ट्रीटी हुई थी 1858 में ग्रेट ब्रिटेन की, और ये देखिए ब्रिटिश टेरिटरी और फिर नीचे की तरफ अमेरिका, ये 49वीं समानांतर रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा को हमने
ऑफिशियल बॉर्डर मान लिया था यूएस और कनाडा के बीच में। तो 1818 और 1819 में ये हुआ था। हाँ जी हाँ जी हर्ष, समाधान बैच की सीजीएल की इकोनॉमिक्स पर्याप्त है। अच्छा एक बाउंड्री लाइन देख लो जल्दी जल्दी, आप लोगों को सारी जानकारी देंगे, आप लोग सेशन में बने रहो, फिलहाल ये पढ़ो, फिर हम आपको समाधान बैच के बारे में सब कुछ बताएंगे। इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स कौन कौन से हैं देशों के बीच में? साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में जो बॉर्डर है उसको कहते हैं 17वीं समानांतर रेखा या 17 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आगे चले, लीबिया और सूडान के बीच में है 20th पैरेलल, इजिप्ट और सूडान के बीच में है 22nd पैरेलल, मोरेशियाना और माली के बीच में है 25th पैरेलल, ईरान और इराक के बीच में है 31st पैरेलल, 38th पैरेलल है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, और 49वीं पैरेलल है यूएस और कनाडा के बीच में। अब देखो, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया दोस्तों? सभी लोग बताइए, ये जो 17, 20, 22, 25, 31, 38 और 49 हैं, इनका नाम ऐसे याद कर लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं भी ऐसे स्माइल कर रहा हूं, डन स्क्रीनशॉट, वेरी नाइस, ये याद रख लीजिएगा, पूछा गया है प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अब बताओ जल्दी से, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है, कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट में स्थित ही नहीं है? भोर घाट, थाल घाट, अंबा घाट या बोमडिला? अब कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, इन सब में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बोमडिला, क्योंकि बोमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है और दो पर्वतों के बीच में गहरी सकरी जगह को दर्रा कहते हैं। दो माउंटेन के बीच में जो गहरी संकरी जगह है वो दर्रा कहलाती है, नैरो गैप बिटवीन टू माउंटेन्स। अब देखो दोस्तों, बाकी भोर घाट, थाल घाट और अंबा घाट, ये तीनों के तीनों हमारे पश्चिमी घाट पहाड़ों पर स्थित हैं। पश्चिमी घाटों को कहा जाता है सह्याद्री, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार विश्वास करते हुए फटाफट से देख लीजिए कि भारत के इस नक्शे में सिक्किम में नाथुला और जिलेपला नाम के दो दर्रे मिलेंगे, और बोमडिला, बुमला, योंगियप, दिहांग, दिफेर, कुमजवांग, पुंगन, लेखापानी, चंकन और एक और है जिसे हेल पास कहा जाता था, नर्क का दर्रा, उसका नाम है पंगसाऊ दर्रा। ये सब के सब कहां स्थित हैं? ये सब के सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। एक और प्रश्न है, जिलेपला दर्रा कहां स्थित है? अभी अभी बताया मैंने, जिलेपला और नाथुला ये दोनों स्थित हैं सिक्किम में, और चूंकि ये दोनों स्थित हैं सिक्किम में इसलिए आप यहां पर उत्तर लगा देंगे सिक्किम हिमालय। तो सिक्किम हिमालय में स्थित हैं जिलेपला और नाथुला दर्रे। आप भारत की चीन के साथ बॉर्डर लाइन को देखेंगे तो नाथुला एक ऐसी पोजीशन है जहां हम ऊंचाई पर हैं और चाइना हमसे नीचे है, वरना आमतौर पर चाइना हर जगह ऊंचाई पर है और हम चाइना से नीचे स्थिति में है। पहाड़ों की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो हम चाइना को दो झापड़ खींच के मार ही देते हैं जब भी मन करता है। तो बहरहाल आगे बढ़ें, ये बताइए बारालाचाला दर्रा है ये कौन से हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है? लद्दाख में है, जस्कर में है, काराकोरम में है कि पीर पंजाल में है? हिमालय पर्वतमाला के कौन से, है ना, कौन से हिस्से में बारालाचाला दर्रा स्थित है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बारालाचाला जो पर्वतीय दर्रा है, ये बारालाचाला पर्वतीय दर्रा स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बारालाचाला, इट्स अ माउंटेन पास लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस? तो इट्स लोकेटेड इन जंस्कर, जो जंस्कर पर्वत श्रृंखला है, जंस्कर पर्वत श्रृंखला के नीचे की तरफ स्थित है ये बारालाचाला। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो निचले पोर्शन की चर्चा हम करते हैं, उस निचले पोर्शन में ये जंस्कर है, क्योंकि यहाँ है जंस्कर, यहाँ है लद्दाख और यहाँ है काराकोरम। तो काराकोरम, लद्दाख और जंस्कर, अब जंस्कर में ही ये देखिए हिमाचल प्रदेश के ऊपरी तरफ है बारालाचाला। यहीं से दो नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा, और आपको पता है ना चंद्रा और भागा आपस में मिल करके क्या बनाती हैं? चेनाब। तो चंद्रा और भागा आपस में मिलकर चेनाब बनाती हैं, ये दोनों नदियां बारालाचाला दर्रे के पास से ही निकलती हैं, ज्यादा लंबी नहीं बहती, थोड़ी ही दूरी में जाकर आपस में मिलकर चंद्रभागा बनाती हैं, चंद्रभागा आगे चल के चेनाब नाम से जानी जाती है। वायनाड जो है वो केरल का प्रवेश द्वार है, और कौन सा ऐसा दर्रा है जिससे आप वायनाड घुसते हैं? केरल के तो बारे में क्या क्या कहा जाए, है ना, केरल ना बहुत अच्छा प्रदेश है, केरल के टूरिज्म की टैगलाइन है अगर आप लोग जानते हो तो, इसे कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। क्या कहते हैं इसे?
गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का अपना खुद का देश, बारालाचाला बोल रहा हूं, केरला। खैर, केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, और ये जो वायनाड है, वायनाड को कहा जाता है गॉड्स ओन डिस्ट्रिक्ट, गॉड्स ओन डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत देश में ऐसा कौन सा जिला है जिसे गॉड्स ओन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, आप कहिएगा वायनाड को। राहुल गांधी जी यहां से सांसद हुआ करते थे पहले, फिर बीच में वो सांसदी कुछ उनके पद में कुछ दिक्कत हुई थी ना। खैर चलो, आगे गॉड्स ओन कंट्री कौन सी, तो केरल है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पे, थमरासेरी दर्रा। ये थमरासेरी दर्रा वायनाड घुसने वाला दर्रा है। कालीकट, स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कोल्लम, कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अल्लापुझा, वेनिस ऑफ द ईस्ट। कोची, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। ऐसे कई सारे नाम हैं जो नाम केरल के विभिन्न शहरों को दिए गए हैं, याद रखोगे। ये देखो, थमरासेरी दर्रा से होकर निकलना है बबुआ। वैसे तो ये पालघाट की फोटो है, मैं गया हूं इस दर्रे से, मजा आ जाता है यार, कुछ भी कहो गाड़ी चलाने में, यूं यूं ऐसे जैसे वीडियो गेम में हम लोग चलाते थे ना गाड़ी, वैसे चलाने में मजा आता है। और यहाँ के पहाड़ों में जब आप घूमते हो, पश्चिमी घाट के पहाड़ों में, मैं आपको एक बात बता दूं, पश्चिमी घाट के पहाड़ों में पूरे सदाबहार वन है, और सदाबहार वनों की एक खास बात यह है, इनके वनों के नीचे आपको घास नहीं मिलती, पेड़ पौधे और उनके पत्ते इतने चौड़े हैं कि सूर्य का प्रकाश नीचे पहुंच ही नहीं पाता कि प्रकाश संश्लेषण घास भी कर सके, और इसीलिए घास फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती, तो घास होती ही नहीं। और ये जो पेड़ हैं इतने घने हैं और इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन है इन एरियाज में कि आप जाओ और सांस लो, योग करो, तो ऐसा लगेगा फेफड़ों में सच में ऑक्सीजन जा रही है। वरना हम सही बताएं, इस समय हम आजकल दिल्ली में हैं और दिल्ली में हम सांस भी आधी ले रहे हैं। कहे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहे हैं 715 चला जा रहा है, 800 चला जा रहा है। हमारा एक दोस्त है रायपुर में बैठ करके फोटो डाल रहा था कल, कह रहा था 212, वेरी वेरी टॉक्सिक एयर टू ब्रीद। हमने कहा तुमको वो टॉक्सिक लग रही है, यहाँ 715 में बैठे हुए हैं, तुम तो अभी हमसे 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स की पॉइंट में पीछे हो, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े, जवाहर टनल कौन से दर्रे पर स्थित है, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग कौन से दर्रे पर स्थित है, पीर पंजाल पे, बनिहाल पे, रोहतांग पे या जोजिला पे। अब देखो दोस्तों, जवाहर टनल जो है ना, जवाहर टनल बड़ी खास है, और आपको बताना है कि ये पीर पंजाल पे है, बनिहाल पे, रोहतांग पे है या जोजिला पे है, बताओ बताओ बताओ। तो इसका सही आंसर क्या है, पीर पंजाल है या बनिहाल है, अरे बताइए, आप भी कुछ बताइए तब ना मजा आए। बहरहाल यहां पर देख लीजिए, पीर पंजाल का जो दर्रा है ना, वो पीर पंजाल का दर्रा बनिहाल के दर्रे से ऊपर की तरफ स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे बनिहाल दर्रा, इसकी लोकेशन देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जम्मू से श्रीनगर जाना हो, तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कौन से दर्रे से होकर गुजरोगे, तो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरेंगे। और ये जो पीर पंजाल दर्रा है, ये पीर पंजाल दर्रे की खास बात क्या है, तो दोस्तों पीर पंजाल की खास बात यह है कि पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालय के हिस्से में आती है, और इसी रेंज पर पूरा कश्मीर का एरिया है। जैसे श्रीनगर बोलते हो ना, श्रीनगर कौन सी रेंज पर है, तो बताइएगा पीर पंजाल रेंज पर है, और पीर पंजाल रेंज पर ही पीर पंजाल का दर्रा भी है, समझे बबुआ। चलो आगे बढ़े, ये बताइए कौन सी मिट्टी है जिसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, जो खुद से ही खुद को कल्टीवेट कर लेती है, खुद से ही खुद को प्लाऊ कर लेती है, बताइए जल्दी से। हाँ बबुआ, सेशन शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, जल्दी शेयर करो यार। आप लोग चैट रेट भी इतना घटा के रखते हो, कोई आंसर ही नहीं दे रहा, इतने सारे लोग लाइव हैं, आंसर दे रहे हैं मात्र 80 लोग, ऐसे थोड़ी चलेगा। चलो चलो चलो, जल्दी से बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो देखो देखो, स्वतः जुताई वाली मृदा के रूप में किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। जो काली मिट्टी है उसको स्वतः जुताई वाली मृदा क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी कारण है बबुआ। काली मिट्टी जब बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है उसमें, कीचड़ होने का मतलब यह है कि कीचड़ मिट्टी एकदम अपने आप में सन जाती है, और जब बरसात चली जाती है, गर्मी का मौसम आता है, आओ बाबू, जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के मौसम में इसमें दरार पड़ जाती है, जो खुद से ही दरार दिखाए और खुद से ही कीचड़ कर दे। हाँ जी, कोई दिक्कत है, आओ आओ, क्या हो गया भैया, ना ना।
हाँ बबुआ, क्या बता रहे थे? जो खुद ही दरार दिखाए और फिर खुद ही सन जाए कीचड़ में, खुद ही दरार दिखा करके खुद ही कीचड़ में सन जाने को कहेंगे ना, खुद से ही खुद को प्लाऊ कर रही है। तो ये सेल्फ प्लाइंग सॉइल जो होती है ये ब्लैक सॉइल होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़े तो एक और प्रश्न आपसे करने वाले हैं, बट आप प्रश्न करने के पहले ये देखिए, ब्लैक सॉइल एज सेल्फ प्लाइंग सॉइल, ये क्लेई सॉइल है, क्लेई का मतलब इसे मृत्तिका होती है। अरे तो काली मिट्टी से ना लोग सिर धो लिया करते थे, हमको याद है अभी भी बचपन में हमारे दादाजी काली मिट्टी से सिर धोया करते थे, तो हमने कहा आपके एक भी बाल ना बचेंगे, तो बोलते बचे ही नहीं बेटा। चलो, पेनिनसुलर इंडिया हैज द फॉलोइंग जोनल सॉइल टाइप्स, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा है? अब प्रायद्वीपीय भारत में रेड एंड येलो सॉइल का सबसे ज्यादा वर्चस्व है। आप ये देखिए, ये रेड सॉइल है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और आप देखो खुद ही कि ये रेड सॉइल इस पूरे हिस्से में फैली हुई है, और रेड और ब्लैक का मिक्सचर भी है मध्य प्रदेश में। रेड ब्लैक का मिक्सचर जो है उसे दोमट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? उसे दोमट कहते हैं। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित कौन सी मिट्टी होती है? तो दोस्तों, ऐसी मिट्टी जिसका निर्माण हुआ हो लीचिंग और ऑक्सीडेशन से, इस मिट्टी को कहते हैं लैटराइट मिट्टी। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, लैटराइट मिट्टी। लीचिंग और ऑक्सीडेशन, जब पानी बरसता है तो पानी के साथ मिनरल घुल के मिट्टी के अंदर एक परत का निर्माण कर देते हैं। अब बरसे हुए पानी में जो मिनरल घुले हैं, वो घुले हुए मिनरल जब नीचे एक परत का निर्माण कर देंगे, तो ना नीचे का पानी ऊपर आ पाएगा और ना ऊपर का पानी नीचे जा पाएगा। इस तरह से ये लैटराइट मिट्टी का निर्माण करते हैं। हालांकि लैटराइट मिट्टी जो होती है वो चाय और कॉफी के लिए एकदम बढ़िया होती है, और क्योंकि ये मिट्टी ऐसी जगह पर होती है जहां पर बारिश खूब होती है, और चूंकि जहां पर बारिश खूब होती है वहां आप चाय और कॉफी जैसी फसलें उगा सकते हो पश्चिमी घाट में खूब ज्यादा। मैं आपको अगर फोटो दिखाऊंगा इसकी, तो फोटो देखकर आप समझ जाओगे। ये देखिए लैटराइट मिट्टी, और आप समझो यहां बारिश इस दिशा की ओर हमेशा होती रहती है, और ये जो एरिया है इस एरिया में लैटराइट मिट्टी खूब पाई जाती है। थोड़ा बहुत इस एरिया में भी है लैटराइट मिट्टी, और थोड़ा बहुत इस एरिया में भी है, लेकिन लैटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट में खूब है, और इसलिए पश्चिमी घाट में चाय और कॉफी खेती खूब होती है। ये बताइए, सबसे ज्यादा व्यापक रूप से विस्तृत मिट्टी कौन सी है जो भारत के लगभग 40-42% हिस्से में पाई जाती है? बताइए, 40-42% हिस्से में भारत के कौन सी मिट्टी पाई जाती है, व्यापक रूप से विस्तृत मिट्टी कौन सी है? और उसका सही उत्तर हो जाएगा एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी, खादर, भांगर, तराई और भाभर, है ना? तो देखो दोस्तों, खादर का मतलब नई वाली, भांगर का मतलब पुरानी वाली, भाभर का मतलब है वो मिट्टी जिसमें पत्थर हैं बड़े बड़े, और तराई का मतलब कंकड़ वाली। एक और प्रश्न है, ये बताइए फॉरेस्ट और डेजर्ट सॉइल, वन की मिट्टी और रेगिस्तानी मिट्टी में क्या समानता है? इनका सॉइल प्रोफाइल बहुत ज्यादा रिच है, ये सॉइल दोनों मिट्टियां हल्की हैं, या इनमें चट्टाने और पोषक तत्व होते हैं? तो सही आंसर इसका पता है क्या है? सही आंसर है इसका कि इनमें चट्टाने और पोषक तत्व होते हैं, रॉक और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपको याद रख लेना है। आगे चलकर एक और पॉइंट है, बताइए उसका भी आंसर, ये तो छोड़ो खैर, ये है मैंगनीज की ओर इनमें से कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सा मैंगनीज का अयस्क नहीं है? पायरोलुसाइट, मेलाकाइट, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ चला गया? मेलाकाइट को आंसर लगाना था और फिर आगे बढ़ना था। तो मेलाकाइट जो है, मेलाकाइट, ये मैंगनीज नहीं निकलता इससे, ठीक है, मैंगनीज नहीं निकलता इससे। आगे बढ़े, ये बताइए कौन सा मिनरल है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला मिनरल है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो मध्य प्रदेश में खूब पाया जाता है, यह भी याद रख लीजिएगा। बॉक्साइट का मतलब क्या होता है अगर आपसे को पूछ ले, मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, Al2O3 कहते हैं। मैग्नेटाइट क्या है? तो ये Fe3O4 कहलाता है। एस्बेस्टस और बेरियम सल्फेट की चर्चा फिर हम कभी करेंगे। बेरियम सल्फेट BaSO4 आप सुना ही होगा। चलो खैर, एक और प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन से क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है? दिग्बोई में, असम में, बॉम्बे हाई मुंबई में, कृष्णा नदी के डेल्टा में, या नर्मदा नदी के डेल्टा में? पहली बात तो यह है कि डेल्टा नर्मदा नदी का होता ही नहीं, नर्मदा नदी की तो ऐश्वरी होती है।
क्योंकि जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं वो एश्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, वो कभी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और इसका सही आंसर ये देखो 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 बाबू, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही नर्मदा नदी का मुहाना। और नर्मदा नदी के मुहाने में कोई पेट्रोलियम नहीं निकाला जाता, बाकी बॉम्बे हाई मुंबई में या दिग्बोई असम में या कृष्णा नदी के डेल्टा में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़े तो ये बताइए, सबसे ज्यादा गहरा गर्त कौन सा है हमारे हिंद महासागर का? हिंद महासागर का सबसे ज्यादा गहरा गर्त, सबसे गहरा, डीपेस्ट पॉइंट है ना, तो सबसे ज्यादा गहरा गर्त जो हमारे हिंद महासागर का है उसका नाम है जावा। मर जावा, मिट जावा, लुट जावा। जावा एक लैंग्वेज भी हुआ करती थी, और हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे स्कूल में तो जावा लैंग्वेज हम लोग सिखाई जा रही थी। ये जावा लैंग्वेज कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी कोई, इतना ज़्यादा तो मुझे भी जानकारी नहीं है कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर के बारे में मेरी भी उससे दूरी उतनी ही बनी रही जितना कि अन्य गर्लफ्रेंड्स जो बनती है ना किसी सी लड़के की लाइफ में, वैसे ही। तो मतलब यूँ समझो कि सेम पोल है ना, सेम पोल रिपल्सिव वाला फीचर था मेरे साथ और कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर से मैं इतना ज़्यादा अनफेमिलियर था कि मैं क्या कहूँ, क्या कहा जाए। मतलब अब जा करके मैं पीपीटीज वगैरह बनाने लगा हूँ, थोड़ा बहुत फैमिलियर हो गया हूँ, तो ठीक ठाक आप लोगों के लिए राज्य दर्शन की पीपीटी बना देता हूँ, वरना तो बड़ा कठिन है। दोस्तों कल या परसों राज्य दर्शन का पंजाब एपिसोड आएगा, है ना, कौन सा एपिसोड आएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, पंजाब, पंजाब एपिसोड जो है वह है राज्य दर्शन का आने वाला है कल या परसों, देखते हैं। अगर आज मैं मैच में ज़्यादा खो गया तो मैच में ज़्यादा खोने की वजह से हो सकता है कल सुबह ना दे पाऊं आप लोगों को वो स्थिति, बाकी तो मैंने आपको बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़े तो देख लो दोस्तों, जावा जो है ये इंडियन ओशियन का, मेरियाना पैसिफिक ओशियन का, मेलॉय डीप ये आर्कटिक ओशियन का, पुएर्टो रिको अटलांटिक का, और साउथ सैंडविच खाई ये दक्षिण महासागर की। अच्छा एक बात बात बताइए, क्वेश्चन है आपसे, ठीक है जल्दी से आंसर करो, ये बताओ आकाशगंगा हाइड्रोजन गैस का एक बड़ा बादल बनाना शुरू करती है जिसे क्या कहा जाता है, बताइए बताइए। हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं ना, मैच सबको देखना है भैया, कभी कभी ऐसे पल आते हैं। 2011 में ऐसा पल आया था जब हमने फाइनल में जीतते हुए देखा था, महेंद्र सिंह धोनी को छक्का मारते हुए देखा था, वो दिन आज भी मुझे याद है। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग बड़े जल्दी आउट हो गए थे, और उन दोनों के आउट होने के बाद, मैं अपने कॉलेज में था तब 2011 में, और उन दोनों के आउट होने के बाद फिर तो मतलब मैं आकर के सो गया था, सीरियसली मुझे इतना ख़राब लगा। सचिन वैसे भी मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, और वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स हैं, मेरे फेवरेट प्लेयर तो हमेशा से युवराज सिंह रहे हैं। और फिर मैंने जब उनको आउट होते हुए देखा तो फिर मैं आ गया, और उसके बाद मैं सो गया। फिर रात में मैंने पटाखों की आवाज़ सुनी, और वो जो पटाखे खूब खूब में ना मतलब एकदम जोरों शोरों से बजने शुरू हुए, तब मुझे लगा कि हाँ भारत जीत गया लगता है। और फिर मैंने भी दो चार पटाखे जो खरीद रखे थे मैंने भी फोड़ दिए, मैंने कहा चलो भारत के जीतने की खुशी में। तो एक आकाशगंगा जो है हाइड्रोजन गैस का एक बड़ा बादल बनाना शुरू करती है जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नेबुला। नेबुला हाइड्रोजन का और धूल के कणों का एक ऐसा बड़ा बादल है जिससे आगे चल करके तारों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? तारों का, स्टार्स फॉर्मेशन। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए उसका भी सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रकाश की गति क्या है? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 330,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड या 3 किलोमीटर पर सेकेंड? अगर आपसे मैं कहूं 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, तो आप खुद ही बताइए क्या इसे मैं 3×10^5 किलोमीटर प्रति सेकेंड लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं, बताइए। 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड और 3×10^5 किलोमीटर प्रति सेकंड, क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में कि नहीं है, बताइए। हाँ
तो हैं बराबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। चाहे आप उसे 3×10^5 3×10^5 किलोमीटर पर सेकंड कहिए या आप उसे 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड कहिए, जो आपको कहना हो कह दीजिए, बस बात यहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए। आगे बढ़ें तो ये बताओ, सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर पृथ्वी किस प्रकार की गति का एक उदाहरण देती है? द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन। देखो कितना बढ़िया घुमाया है ना ये प्रश्न, ध्यान दो कितना बेहतरीन घुमा के आपसे पूछा है। घुमा इसलिए रहा है, कह रहा है कि मोशन ऑफ अर्थ क्या है, अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, अपनी ही धुरी पर जो घूम रही है, अपनी धुरी पर घूमने वाले मोशन को क्या कहते हैं। चलो ठीक है, सूरज के चारों तरफ तो घूम रही वो बात अलग है, लेकिन अपनी धुरी पर घूमने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब होता है स्पिनिंग, घूर्णन कहते हैं ना इसे। जैसे बोलते हैं बॉल स्पिन करा रहा है, तो बॉल भी क्या है, बॉल को ऐसे घुमा करके फेंकता है ना कोई भी ऑफ स्पिनर, या कोई लेग स्पिनर होता है तो ऐसे घुमा करके फेंकता है। तो जो ऑफ स्पिनर उंगलियों से घुमाता है, लेग स्पिनर रिस्ट से घुमाता है। देखो लेग स्पिनर को रिस्ट स्पिनर क्यों कहते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर अपने रिस्ट का इस्तेमाल करता है और रिस्ट के इस्तेमाल से उल्टा करके फेंकता है गेंद को। और ऑफ स्पिनर को फिंगर स्पिनर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फिंगर्स का इस्तेमाल करके और गेंद को ऑफ स्पिन कराता है। देखे ना आप लोग लॉजिक देख रहे हो, रिस्ट स्पिनर और फिंगर स्पिनर, ऑफ ब्रेक बॉलर्स। स्पिन, स्पिन कहने का मतलब यह है अपनी ही धुरी पर घूमना, उसको कहते हैं स्पिन करना। तो देखिए दोस्तों रोटेशनल मोशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो स्थित है, बताइए जल्दी से। आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है जो स्थित है इनमें से, बताओ बताओ बताओ। तो आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ी स्थित है, आंध्र प्रदेश की पहाड़ी को हम लोग कहते हैं नागरी पहाड़ी, क्योंकि जो पचमढ़ी है ये तो एमपी में है, जो कैमूर है ये भी एमपी में है, और जो गिरनार है ये गुजरात में है। अब बताइए, तो एमपी एमपी गुजरात वाली हो गई तो नागरी पहाड़ी ही बची, अब ये हो जाएगी वहां आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में। तो आप खुद ही देख सकते हो यहां पे, अगर मैं इस मैप को थोड़ा जूम आउट कर दूं, मैप को जूम करने से आपको कहानी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, देख लीजिए खुद ही। ये नागरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में पालकोंडा, वेनुकोंडा, नल्ला मल्ला और उसके अलावा सेशलम, और सेशलम नागरी पालकोंडा वेनुकोंडा नल्ला मल्ला, एरमल्ला भी एक पहाड़ी है, एरमल्ला पहाड़ी इसने लिखा नहीं है शायद, हाँ। तो एरमल्ला, नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी और सेशलम, सेशलम हिल्स ही है ना जिस पर तिरुपति बालाजी का मंदिर कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है भैया, एक बार बताइए तो हमको जरा। फिर बाकी देखिए, जावदी, शेवरॉय, पंचाईमलाई, सिरुमलाई, पालनी, वृषनाद, ये सब जो पहाड़ियां हैं ये पहाड़ियां अब तो तमिलनाडु के हिस्से में मिलेंगी। आप में से कोई भी अगर मुझे बता दे, एक बात बता दीजिए कि एक हिल स्टेशन है जिस हिल स्टेशन का नाम है उस हिल स्टेशन का नाम है दोस्तों कोडाईकनाल, है ना। आप में से कौन बता सकता है कि ये कोडाईकनाल नाम का हिल स्टेशन कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, बता सकते हो? कोडाईकनाल हिल स्टेशन कौन सी पहाड़ी पर, विच हिल, बता दीजिए एक बार जल्दी से, कोडाईकनाल जो है ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। देखो ये जो ऑस्ट्रेलिया को जिताने वाला जिंदगी नाम का यूजर है, मैं आज इसको भगा रहा हूं, आप लोग क्या मेरे साथ हो? इसने लिखा ना ऑस्ट्रेलिया विन टुडे पक्का, भाग यहां से जल्दी। जीत हार तो बात की बात है, तुम जैसे लोग भाग 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 यहां से, भाग भाग भाग, भाग, भाग। बिल्कुल दिख मत जाना, ऑस्ट्रेलिया के सिंपथाइजर्स जितने हैं, जितने लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सही बताऊं ऐसे गला पकड़ के इसे ऊपर उठा लूंगा मैं। जब तक मैच का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तुम यहां बैठ करके कैसे कह सकते हो भारत के हो कि ऑस्ट्रेलिया के हो? मजा तो तब आता है जब पाकिस्तान से मैच होता। चलो खैर, कोडाईकनाल कौन सी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? ये एक हिल स्टेशन है जिस हिल स्टेशन के बारे में आप लोगों ने नहीं बताया। बहरहाल आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, सरयू नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है, जल्दी से। अरे मैं उसको ऑलरेडी भगा चुका हूं, अब बताओ जल्दी से, सरयू नदी के किनारे किसी ने नहीं कमेंट किया है पाल, है ना, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी दोस्तों, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी पर बहुत ही शानदार
हर्षु हम ऑस्ट्रेलिया सपोर्टर हैं बेटा, भगो 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 भगो, जल्दी जल्दी देखो हर्षु को भगा दे सबसे पहले, सबको भगाएंगे आज जो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने वाला है, कसम से मेरे सामने तो ना ही रहे तो बेहतर। आप में से और कोई है ऑस्ट्रेलिया का सपोर्टर, भागना चाहता है इस सेशन से बाहर, जल्दी बताएं एक बार। सरयू नदी के किनारे, देखो दोस्तों सरयू जो नदी है ना, सरयू नदी कौन सी है? सरयू नदी वही नदी है घाघरा। कौन सी नदी है? घाघरा। तो याद रखिएगा घाघरा को ही सरयू नदी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं सरयू नदी छोटी सी नदी है जो घाघरा में जाकर मिल जाती है। बहरहाल बात यह है कि घाघरा नदी ही है जो फैजाबाद से होकर निकलती थी, और फैजाबाद का अब नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, फैजाबाद का नाम बदल करके कर दिया गया है अयोध्या। मेरा क्लास सुबह डेली 9 बजे और दोपहर 1 बजे चलता है बबुआ। आगे चले, आगे चल करके, अरे यहाँ जो शहर है इन शहरों के नाम जरूर आप थोड़ा ध्यान कर लेना। जैसे अहमदाबाद है तो कौन सी नदी किनारे है, तो ये याद रखिएगा कि ये साबरमती नदी के किनारे है। और ये जयपुर है तो जयपुर आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाणगंगा नदी के किनारे है, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। तो इस तरह से बड़े बड़े शहर जो पुराने होते थे, वो पुराने शहर आमतौर पर किन्हीं नदियों के किनारे ही बनाए जाते थे, ताकि नदी तो कम से कम रहे ना अच्छे से। चलो और आगे बढ़ करके एक और प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ धारा ठीक है, पालनी इज द आंसर। एक और क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। यहां पर क्वेश्चन यह है कि चक्रवात का एक केंद्र शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहते हैं? चक्रवात जो है वो एकदम है ना, चक्रवात जो है वो एकदम शांत क्षेत्र है, और इसे तूफान का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे तूफान की आई कहते हैं। वैसे तो आप चक्रवात के बेसिक पर ना जाएं, बहरहाल चक्रवात जब उठता है तो चक्रवात के बीचों बीच के क्षेत्र को आई कहा जाता है, ऐसे इसे आई कहते हैं। चक्रवात आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से चक्रवात की फोटोज देखी होंगी, तो ये बीच वाला क्षेत्र कहलाता है आई। आगे चलकर शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज प्लैनेट वीनस हैव? और इसका सही उत्तर आप सभी को पता है कि वीनस के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। एक और प्रश्न बताइए जल्दी से, यह है सोलर सिस्टम अपना, इसकी फोटो हम ऐसे निकाल के लाए थे इंटरनेट से। ये बताइए कौन सी उत्तरी जनजाति अमेरिका में पाई जाती है, सॉरी कौन सी जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, ये बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका? और देखो इसका सही आंसर है इनुइट। इनुइट जो होते हैं, इनुइट लोग पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, तो यह भी हमारे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहरहाल है ना, नेनेट्स कहाँ साइबेरिया में पाए जाते हैं, अंडमानीज इंडिया में पाए जाते हैं, द्रोकपा भी भारत के ही हैं, चुकची साइबेरिया में पाए जाते हैं, एस्किमो भी साइबेरिया में ही पाए जाते हैं, हुली पापुआ न्यूगिनी में, माओरी न्यूजीलैंड में है ना, और उसके अलावा एबोरिजिनीज ये ऑस्ट्रेलिया की जनजातियां हैं, बुशमैन बोत्सवाना वगैरह में पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था है ना, कैपो ब्राज़ील की हैं, और उसके अलावा यनोमनी, यनोमनी जो जनजाति है, यनोमनी वेनेजुएला में और ब्राज़ील में पाई जाने वाली जनजाति है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पेटी को किस नाम से जाना जाता है? दलदली पेटी बबुआ, क्या है ना, क्या आंसर है? अंबानी का दीवाना, भाग यहां से, भाग भाग भाग, जल्दी से भाग भाई, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अरे चला गया, तुम लोग टेंशन मत लो, तुमसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों को भगा दूंगा यहां से। तराई क्षेत्र को दलदली क्षेत्र कहा जाता है, और तराई क्षेत्र उत्तराखंड का क्षेत्र है नीचे वाला, जहां नदियां आकर के मैदानों में मिलती हैं, तो पहाड़ों से नदियां उतर करके मैदानों की तरफ आती है ना, बस वही तराई क्षेत्र है। आगे चलें, जल की अंतःस्रवण दर कौन सी मृदा में सबसे कम होती है? क्लेई में, सैंडी में, ग्रेवल में कि लोमी में? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, परकोलेशन रेट जो है, परकोलेशन रेट क्ले का सबसे कम होता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा महीन मिट्टी में सबसे कम पानी नीचे की तरफ जाएगा, यह बात आप याद रखना। होता क्या है कि जो थोड़ी सी जैसे रेत है, रेत में आप पानी डालो तुरंत पानी नीचे चला जाता है ना, अगर आप एकदम महीन मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी में पानी डालो तो या तो मुल्तानी मिट्टी पानी के ऊपर आ जाएगी या पानी मुल्तानी मिट्टी के ऊपर रहेगा। मुल्तानी मिट्टी महीन मिट्टी है, वो क्लेई है ना, जैसे ये मुल्तानी मिट्टी है, तो मुल्तानी मिट्टी आप लोग अपने चेहरे पर लगाते हो ना, एकदम चिकनी मिट्टी होती है, उस चिकनी मिट्टी में पानी डालने के बाद उसको ऐसे ऐसे करके घोलना पड़ता है, तब जा करके मिट्टी पूरी तरह से पानी में सन पाती है, जबकि सैंड के साथ ऐसा नहीं होता ना। ग्रेवल का मतलब तो बजरी होता है, और बजरी में पानी डालो गायब हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ें, एक और प्रश्न है,
कौन सा अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? अवक्षेपण का मतलब पता है क्या होता है? Which of the following is not a form of precipitation? Precipitation जो नहीं है वो क्या है? तो rainfall, snowfall, fog या hail, इसका सही आंसर है fog. Fog का मतलब होता है कोहरा. ऐसे बादल जो ठंड की वजह से पृथ्वी के सतह पर आ गए हों उनको fog कहते हैं. लेकिन दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, प्रिसिपिटेशन का रूप इनमें से कौन सा नहीं, तो प्रिसिपिटेशन का मतलब है पानी का गिरना, और पानी गिरना, बर्फ गिरना या ओले गिरना, जो कुछ भी ऊपर से नीचे गिर रहा है वो सब प्रिसिपिटेशन है. बहरहाल फॉग तो नहीं है प्रिसिपिटेशन. आगे बढ़े, एक और प्रश्न है. ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू, तो देखो दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन भारत में किससे संबंधित है, तो यह फिश प्रोडक्शन से संबंधित है. फिश प्रोडक्शन से संबंधित इसे क्या कहा जाता है, तो यह भी याद रखिएगा, इसे पीसी कल्चर कहा जाता है. क्या कहते हैं इसे? पीसी कल्चर. पीसी कल्चर का मतलब मत्स्य पालन, मछली उत्पालन कहते हैं इसे. ऑस्ट्रेलिया विंस द मैच. कौन है भैया? रुक जा. मोहित चहल. चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में. चलो आज तो मेरा मजा आ रहा है मेरे को ना इन लोगों को बाहर करने में, ऑस्ट्रेलिया के सिंपथाइजर्स को बाहर करने में. चलो आगे बढ़े, एक और प्रश्न है. अच्छा ये देखो यार, कुछ क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एम एस स्वामीनाथन जी, अभी महीने भर पहले इनका देहांत हुआ. फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीज कुरियन जी, मिल्कमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है. फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन अरुण कृष्णन जी को कहा जाता है, पीसी कल्चर को एक बार फिर से नया रूप देने वाले. इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के पिताजी हीरालाल चौधरी साहब हैं, और उसके अलावा पिंक रिवॉल्यूशन के पिता दुर्गेश पटेल, और फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन निरपाख तुतेज. रेड रिवॉल्यूशन के पिता विशाल तिवारी हैं, मीट और टमाटर के उत्पादन में. चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन. ये बताइए कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश में नॉर्थ साउथ वेस्ट तरफ से बॉर्डर बनाए हुए हैं? जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से आंसर करना है आपको कि किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है. अरे आजकल मैं मध्य प्रदेश में था. देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया को सिंपथाइज कर रहे हैं मैं उनको देश से भगा दूं, ऐसा कुछ नहीं. मजाक में उनको बाहर कर रहा हूं. ऐसा तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं हर किसी को नहीं बाहर कर रहा, ऐसे किसी को देख ले रहा हूं तो मजाक कर रहा हूं उसके साथ. वो भी मेरा रिकॉर्डेड सेशन देख पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा रिकॉर्डेड सेशन नहीं देख पाएगा. मुद्दा यह है दोस्तों कि जैसे अभी एक चर्चा चल रही थी कि पढ़े लिखे को वोट दो. मैं मध्य प्रदेश से आया, मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई, पढ़े लिखे को वोट देने की बात आई. चलो ठीक है, मैं मानता हूं पढ़े लिखे को वोट दो, एक व्यक्ति कह रहा है, उसका कहना अपनी जगह ठीक है. लेकिन क्या जो नहीं पढ़ा लिखा है और चुनाव में खड़ा हुआ है तो वो अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता कि मैं चुनाव लड़ूं, और वो फिर इस बात की आशा भी नहीं रख सकता कि मुझे वोट मिले? मतलब कोई तो ऐसा भी होगा ना जो अनपढ़ लोगों का भी सगा संबंधी होगा, कोई तो ये होगा ना जो अनपढ़ लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं उन लोगों को भी मानता होगा, किसी को वो भी अच्छा लगता होगा. ऐसे तो यार एक बात बताइए, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच की ये जो बहस है, इस पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच की बहस में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर को कंपेयर करके देख लीजिए. इतिहास का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा तो उसने पागलपन भरे फैसले लिए, है ना. और जब इतिहास का सबसे अनपढ़ और क्या बोलते हैं उसे, इलिटरेट व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठा, आगरा की गद्दी पर बैठा, तो उसने शायद सबसे अच्छी राजपूत नीति अपनाई. तो और अकबर को महान भी कहा जाता है, तो अकबर तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था तब भी वो महान हो गया, और मोहम्मद बिन तुगलक तो एकदम पढ़ा लिखा ही राजा था तब भी वो पागल था. तो जरूरी थोड़ी है, विजडम हैज नथिंग टू डू विद एजुकेशन. मैं मानता हूं कि ठीक है एजुकेशन से नॉलेज मिलता है, एजुकेशन से हमें समझ बढ़ती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि कोई व्यक्ति का विवेकशील होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह पढ़ा लिखा है या नहीं, तो मैं ऐसी बात को सिरे से खारिज करता हूं. कोई भी व्यक्ति जो अनपढ़ है उसका भी अधिकार है इलेक्शन में खड़े होने का, उसकी भी अपेक्षा ठीक है कि मुझे वोट मिले, और वो जीत जाए तो भी मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतने सारे लोगों ने अपना जनादेश दिया है तब जाकर के वो व्यक्ति जीता है. आप यदि किसी व्यक्ति को यह कहते हो कि वो गलत तरीके से जीत गया, इसका मतलब आप उस जनता को भी कह रहे हो जिस जनता ने उसको वोट दिया है, और जनता को कुछ भी कहने का अधिकार आपके पास तो है नहीं.
तो चाहे पढ़ा लिखा जीते और चाहे अनपढ़ जीते, आखिर जिताया तो उसे जनता ने ही ना। और जो जनता है, जनता तो फिर हमारे डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर है, क्योंकि 5 साल तक कोई ऊपर हो सकता है, उसके बाद तो फिर जनता ही आएगा। समझ रहे हो? तो देखो, मैं जो पॉइंट है, मैं पॉइंट यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे कहीं पर भी वोटिंग होती है, किसी के बारे में कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क मारना उसकी एजुकेशन को लेकर के बहुत गलत है। कभी भी किसी की एजुकेशन को लेकर के आप उसके दिमाग का अंदाजा नहीं लगा सकते कि पढ़ा लिखा है तो जरूरी होशियार ही होगा और अनपढ़ है तो जरूरी है कि बेवकूफ ही होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मेरे आप अपने परिवार में खुद ही देख लीजिए, आमतौर पर दादाजी लोग नहीं पढ़े लिखे होते थे, लेकिन कुछ दादाजी लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत विजडम है उनके अंदर, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा समझ, बहुत अच्छे तरीके से परिवार को चलाने की क्षमता, बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो एकदम बिल्कुल मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दादाजी आप चले गए होते ऊपर काफी पहले, तो बहुत अच्छा था ना। चलो आगे बढ़े। तो देखो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, और ये त्रिपुरा एकदम सही आंसर है। इसलिए ना, कभी इंटॉलरेंट मत बनिए यार, असहिष्णु मत बनिए। असहिष्णु इसलिए भी मत बनो दोस्तों, असहिष्णु बनने का लॉजिक इसलिए भी नहीं सही है क्योंकि क्यों मैं किसी को यहां से भगा दूं भारत देश से, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का समर्थन कर रहा है। अरे, ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि भारत में रह रहा है तो चलो ठीक है यार, मान लिया कि उसकी अपनी थिंकिंग है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये पैमाना है कि उसको भारत से बाहर फेंक दिया जाए। राष्ट्रवाद होना चाहिए, पर राष्ट्रवाद और देशभक्ति में एक छोटा सा अंतर है, वो देशभक्ति वाला होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर देना एक खेल में और पाकिस्तान को सपोर्ट कर देना युद्ध में, यही अंतर है। अगर कोई पाकिस्तान को युद्ध में सपोर्ट कर दे भारत के खिलाफ, तो मैं जरूर कहूंगा कि उसे भारत से भगा देना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय होकर के पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति भारत में रह करके किसी खेल में ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको भारत से भगा दो। हाँ, ये जरूर है कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं उसको यहां से भगा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो त्रिपुरा है आपके सामने, और ये जो त्रिपुरा है हमारा, इस त्रिपुरा के नॉर्थ में भी बांग्लादेश, साउथ में भी बांग्लादेश, वेस्ट में भी बांग्लादेश, और ईस्ट में है मिजोरम। ये बताइए, बलुआ पत्थर किसका एक उदाहरण है? सेडिमेंट्री है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है कि नॉन फॉलिएटेड है? बताओ जल्दी जल्दी से बताइए। बिना पत्ते वाली चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान? तो इसका सही आंसर पता है क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है सेडिमेंट्री चट्टान, अवसादी चट्टान कहते हैं इसे, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब अवसादी चट्टानों के ही उदाहरण हैं। ये देखिए, एक तरफ है आग्नेय शैले, इग्नियस रॉक्स, और एक तरफ है सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक तरफ है मेटामॉर्फिक। एक एक लाइन में अगर एग्जाम्पल दूं, ज्वालामुखी के फटकर लावा के ठंडे होने से इग्नियस चट्टानों का निर्माण होता है, इन्हें आग्नेय शैले कहते हैं। किसी भी पानी में बार बार रेत एक जगह पर इकट्ठा होने से सेडिमेंट्री तरह की चट्टानों का निर्माण होता है, और यही सेडिमेंट्री अगर लंबे समय तक किसी भी मान करके चलिए कि किसी एक ऐसी जगह पर रह जाएं जहां बार बार ऊपर से प्रेशर पड़ता है, तो वो मेटामॉर्फिक चट्टानें बनती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल करके एक और क्वेश्चन है, कोयम्बटूर इनमें से किस चीज के लिए फेमस है? कोयम्बटूर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, रासायनिक के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, कोयम्बटूर को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ। क्या कहा जाता है इसे? कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोयम्बटूर टेक्सटाइल के लिए बड़ा फेमस है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ कहते हैं कानपुर को, मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहते हैं कोयम्बटूर को, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं अहमदाबाद को। तो बस, कानपुर और आगरा लेदर इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये बताओ जल्दी से, नॉर्थ अमेरिका का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? देखो दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका का लोवेस्ट पॉइंट है बैड वाटर बेसिन। ये यहां पर पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये देखिए, बैड वाटर बेसिन 282 फीट, 855 है ना, सॉरी 855 कह रहा हूं, 85.5 मीटर बिलो सी लेवल, ये पूरा साउथ मोस्ट पॉइंट है। अब ये बताइए कि किस स्थान पर अधिकतम कोरियोलिस बल का अनुभव होता है? याद रखो, हाँ,
एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। माइकल सिटी पांडे, मेरा ज्योग्राफी का क्लास शो नहीं कर रहा। आप एक काम करो, आप सीजीएल वाले किसी भी टीयर टू के बैच के अंदर चले जाओ, और सीजीएल टीयर टू के बैच के अंदर आप ज्योग्राफी मेरे से पढ़ पाओगे। अगर पुराना वाला मिल जाए तो उसमें चले जाना। इक्वेटर है, पोल्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पोल्स। जो पोल है ना, दैट्स द बेस्ट। आगे चले, एक और क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। डौकी, डौकी भ्रंश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अलग करता है? मेघालय और बांग्लादेश को, विंध्य और अरावली को, शिवालिक और गंगा के मैदानों को, या ग्रेट हिमालय को और लेसर हिमालय को? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपको पता है? इसका सही आंसर है मेघालय और बांग्लादेश को अलग करता है डौकी फॉल्ट। मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखा सकता हूँ। शिलोंग का पठार ऊपर की तरफ है मेघालय, और नीचे की तरफ है बांग्लादेश। शिलोंग के पठार और बांग्लादेश को अलग करने वाला है डौकी थ्रस्ट और देप्सी थ्रस्ट। डौकी थ्रस्ट, तो देप्सी और डौकी, ये दोनों दोनों मेघालय और बांग्लादेश के बीच में मौजूद हैं। अब ये बताइए, डेथ वैली कौन से महाद्वीप में है? इसका भी सही आंसर है नॉर्थ अमेरिका में ही। ये विश्व भूगोल के जितने क्वेश्चन आ जाते हैं सब आपको परेशान करने लग जाते हैं। बहरहाल, यहां पर आप देख सकते हो डेथ वैली अमेरिका में निचले क्षेत्रों की तरफ मौजूद है ना, एक शोशोन करके इनका एक प्रांत है, वहाँ मौजूद है। और ये जो फोटो है, ये फोटो हमने डेथ वैली की ली है mapsofworld.com से। धन्यवाद उनका बहुत बहुत। दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अभी जाइएगा नहीं कहीं, अभी हमारा लेक्चर बाकी है, बहुत सारा अभी पढ़ना है, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि समाधान बैच जो है SSC का, ये पूरा फुल वीडियो कोर्स है, कंप्लीट वीडियो कोर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। और इसके लिए आपको 100 से ज़्यादा घंटों की वीडियो क्लासेस मिलेंगे। मैं सही बताऊँ, इसमें 200 घंटे की वीडियो क्लासेस हैं, 200+ आवर्स, और इसमें मैंने पढ़ाया ही इस तरह से है 200 घंटे। अपने हिसाब से पढ़ाई करिए, अपने प्लान के हिसाब से पढ़ाई करिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप सभी एग्जाम की तैयारी करने वालों, इसमें आप इनरोल कर सकते हो। अगर आप एक ही बार में चारों के चारों सब्जेक्ट मुझसे ही पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कहीं जाना मत, अभी मैं बस आपको यह समाधान बैच की जानकारी दे रहा था, और यह मेरा पर्टिकुलर पर्सनल मेरा वीडियो कोर्स है। चलिए आगे बताइए जल्दी से, कौन सी ऐसी हिल है जो आंध्र प्रदेश में है? अच्छा, इसका आंसर तो हो गया है ना, नागरी पहाड़ी, अभी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी सरयू नदी के किनारे है अयोध्या? ये कैसे रह गया है क्वेश्चन? चलिए बताइए, अरे फिर से वही, चंबल। इनमें से कौन सी नदी की सहायक नदी है? और इसका सही आंसर आप सभी लोग जानते हो, चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी निकलती है महू के पास जनापाव पहाड़ी से, विंध्य रेंज में से, और ये इंदौर के पास में स्थित एक एरिया है। दोस्तों, उसके बाद चंबल नदी आगे की तरफ बहती है, जिसमें काली सिंध आकर मिलती है, पार्वती आकर मिलती है, बनास आकर मिलती है। इन सभी नदियों को मिल जाने के बाद चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बॉर्डर बनाती है, फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती है, फिर इटावा जिले में जाकर मिल जाती है यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, चंबल के बारे में फेमस यह है कि चंबल में गांधी सागर डैम बना हुआ है, मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश में। फिर इसमें राणा प्रताप सागर डैम है जो कि रावतभाटा में है, और ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, राजस्थान में। और फिर उसके बाद कोटा जिले में इस पे कोटा बैराज भी बना हुआ है, और जवाहर सागर परियोजना भी बनी हुई है। तो इसलिए चंबल नदी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह अगर हमारे सौर मंडल का कोई है तो वह है वीनस। उसके पीछे वजह यह है कि इसके वायुमंडल में लगभग 95% CO2 है, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 95% कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से यह इतना ज्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नया प्रश्न है, बताइए जल्दी से उसका सही आंसर। कौन से ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? और दोस्तों, कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा सबसे ज्यादा है? इस समय पर अगर चर्चा की जाए ना, तो इस समय पर अपना जुपिटर भाई आगे है। जुपिटर भाई जो है, जुपिटर भाई में जो टोटल चंद्रमाओं की संख्या है वो 91 है, 91 है। लेकिन दोस्तों, सैटर्न जो है, सैटर्न में पहले 82 हुआ करते थे, और अभी नासा की एक स्टडी आई है कि ये लोग कह रहे हैं 146 हैं सैटर्न के। अब देखिए, यहीं पर झगड़ा हो जाता है हमारा,
ठीक है, एक तरफ तो जुपिटर में अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने खोजे और 91 किए, फिर उसके बाद इन्होंने सैटर्न को कर दिया। फिलहाल अगर आपको अभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो सैटर्न टिक मारिएगा, क्योंकि अभी 146 है सैटर्न के, और जुपिटर अगर ऑप्शन में हो, जब सैटर्न ना हो तो फिर जुपिटर पे टिक मारिएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में सिर्फ बृहस्पति ग्रह मिले, शनि मिले ही ना, तो फिर बृहस्पति पे टिक मार के चले आइएगा। ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है? और देखो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप। कौन सा है? अंडमान और निकोबार। आगे बढ़े तो एक और प्रश्न है, बताओ जल्दी से, महानदी रिवर कहां से निकलती है? झारखंड से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है? हाँ, धारा सेम है। तो देखो दोस्तों, ये सही आंसर क्या हो जाएगा, महानदी का जो उद्गम है, महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ से। अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य फॉरेस्ट रिजर्व के सिहावा नाम की पहाड़ी से निकलती है ये नदी, जिसका नाम है महानदी द ग्रेट रिवर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों नहीं गुजरती है तो असम से नहीं गुजरती है ना। इसके पीछे मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, गमछा झार मित्र पे, गमछा झार मित्र पे। अब देखिए, ये तो हो गया गुजरात, ये हो गया एमपी, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया मिजोरम, और ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया पश्चिम बंगाल, बंगाल। देखो, बंगाल कहते हैं इसको नॉर्मल भाषा में, हिंदी में, बंगाली में, बिहारी में, लेकिन बंगाल कहते हैं इसे इंग्लिश में। आगे बढ़ें, एक और प्रश्न है आप ही के सामने, आप ही के नजर। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां स्थित है? नागरहोल गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, कि कर्नाटक में है? तो सही आंसर बताओ जल्दी से, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ भैया, हर जगह से सारे का सारा जीएस कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, समाधान बैच मतलब समाधान निकल जाएगा। सही आंसर है, नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून इंडियन मानसून क्यों कहलाता है? और उसके पीछे वजह मैं आपको बता देता हूँ। मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती हैं, बिल्कुल गलत है। मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चलती हैं, बिल्कुल सही है। मानसून शुरुआत में भारत के दक्षिण पश्चिम भाग से प्रवेश करता है, सही है ये तो, बट बहरहाल इसमें जो सही आंसर है साउथ वेस्ट मानसून वाला, कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर ट्रैवल करती है। अब आगे बढ़ें तो एक और पॉइंट है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। बीच बीच में शहीद हो जाता है ये। रिट्रीटिंग मानसून इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में क्या कहलाता है? भारतीय उपमहाद्वीप में लौटते हुए मानसून को क्या कहते हैं? लौटते हुए मानसून को कहा जाता है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून। क्यों? उसके पीछे वजह बता देता हूं। देखिए, जब साउथ वेस्ट मानसून चलता है तो साउथ वेस्ट मानसून इस तरह से अरब सागर की खाड़ी से आता है, ये देखिए आप वेस्ट है और ये साउथ है, और फिर साउथ वेस्ट मानसून इस तरह से लौटता है, ये कहलाता है रिट्रीटिंग मानसून। और रिट्रीटिंग मानसून की डायरेक्शन आप देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, इसीलिए ठंड के मौसम में लगभग चेन्नई और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में बारिश होती है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून है रिट्रीटिंग मानसून। सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है तो किस प्रकार की वर्षा होती है? इसका सही आंसर है कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल कहने का मतलब संवहनीय वर्षा होती है, और संवहनीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चले, आगे चल करके एक और क्वेश्चन है। अर्थ अपने ऑर्बिट में, पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में किसके 2 सप्ताह बाद सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा में अप्सौरिका पर होती है? तो दोस्तों एक बात बता दें आपको, अप्सौरिका का मतलब होता है पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर है, और सूर्य से सबसे दूर एफिलियन जो है वह 4 जुलाई को होता है, और 4 जुलाई किसके 2 हफ्ते बाद आएगा? 21 जून के, और 21 जून को क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। और ये क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया समर सोल्स्टाइस। ग्रीष्म संक्रांति के जस्ट 2 हफ्ते बाद पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, और ये एकदम सिंपल सा
क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको याद होना चाहिए। तो देख लीजिए, समर सोल्स्टिस है, ये 21 जून से 4 जुलाई एफिलियन 152 मिलियन किलोमीटर या 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है पृथ्वी सूर्य से। आगे बढ़ें, धौलाधार रेंज हिमालय में किसका हिस्सा है? हिमालय में धौलाधार श्रेणी किसका एक भाग है? मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक। और इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, धौलाधार जो है ये लेसर हिमालय का हिस्सा है, हिमाचल, ये इन्हें लघु हिमालय भी कहा जाता है। ये बताइए जल्दी से, सिक्किम में कौन सी जनजाति रहती है? चंगस जनजाति है, भूटिया जनजाति है, अंगमी जनजाति है, या गुंड जनजाति है? और दोस्तों इसका सही आंसर है भूटिया जनजाति जो है यह है सिक्किम की जनजाति है। आगे बढ़े तो एक और प्रश्न, ये बताइए इनमें से कौन सा दर्रा है जो पीर पंजाल रेंज पर मौजूद है? और दोस्तों यहां जो सही आंसर, रुको, पीर पंजाल रेंज पर पीर पंजाल दर्रा है और जम्मू एवं श्रीनगर को जोड़ने वाला, जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाला, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला बनिहाल दर्रा भी इसी पर मौजूद है। खरदुंगला दर्रा वो है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ऊंची सड़क बनाई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। आप लोगों ने बीआरओ का नाम सुना होगा ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे सीमाओं पर सड़क बनाने के लिए जिम्मेदार है। कौन से राज्य में अझिक्कल बंदरगाह स्थित है? ये आपके लिए बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक मिनट रुकना है, कहां चला गया प्रश्न? नाम से ही क्लियर है कि अझिक्कल बंदरगाह जो होगा ये केरला में स्थित होगा, क्योंकि अभी अलापुझा की चर्चा की थी मैंने, अझिक्कल बंदरगाह, नाम मिलते जुलते हैं, लॉजिक लगा लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील? अब आप सभी को पता है कि जो भारत है वो सातवां सबसे बड़ा देश है, तो छठवें नंबर पे नंबर आ जाएगा हमारे ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह है विश्व का छठवां सबसे बड़ा देश है। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से कौन सी तरह की मिट्टी में उगाई जाती है? यह आपके लिए प्रश्न है महत्वपूर्ण और अति इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को इसीलिए कई बार ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है ना, ब्लैक सॉइल को कई बार ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? उसके पीछे वजह यही है कि कॉटन की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त अगर कोई मिट्टी है तो वह काली मिट्टी है। काली मिट्टी को ही कहते हैं वॉल्केनिक ऑरिजिन से निकली हुई सॉइल, यानी ज्वालामुखी उत्पत्ति से काली मिट्टी को ही कहा जाता है। काली इसलिए क्योंकि उसमें आयरन और लाइम की मौजूदगी है, लौह व चूने की मौजूदगी की वजह से वह काले रंग की होती है, और बाकी और सारे रीजंस। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है रानी की वाव, और रानी की वाव कहाँ है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची रानी की वाव पाटन में है, और पाटन कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो याद रखिएगा, रानी उदयमती ने रानी की वाव का निर्माण करवाया था। कौन से राज्य के अंदर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है भारत की? भारत के कौन से राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? और इसका सही आंसर याद रखेंगे आप कि सबसे लंबी तटरेखा 1214 किलोमीटर की, 1214.7 किलोमीटर की है गुजरात की। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल अलग करता है लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को, क्योंकि 11 डिग्री चैनल अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, तो फिर लिटिल अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। आगे बढ़कर एक और प्रश्न आएगा आपके सामने, ये बताइए सौरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जानते हैं? अब इसमें आंसर क्या है आपका? आंसर है देखो दोस्तों दामोदर, लेकिन सी को टिक मत लगाइएगा क्योंकि एबीसीडी ऑप्शन में अलग दिया हुआ है, तो आपके लिए आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी में दिया हुआ है ये ऑप्शन सी। समझ रहे हो? कई बार एबीसीडी ऑप्शन दे करके फिर आपको एबीसीडी अलग से ऑप्शन देगा, और ऐसी जगह पर कंफ्यूज होकर के, खुश होकर के सीधे सी टिक मत मार दीजिएगा। पहले ध्यान दीजिएगा कि सी जो ऑप्शन है यह है ऑप्शन के किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन के डी ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया हुआ है। समझ रहे हो विनोद? अत्यंत महत्वपूर्ण। आगे बढ़े तो एक और प्रश्न है, नर्मदा रिवर कहां से निकलती है? तो नर्मदा रिवर जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है और जोहिला नदी भी निकलती है, तीनों की तीनों नदियां। क्लियर हो जाएगा? चलो आगे बढ़े, एक और प्रश्न है आपके लिए, बताइए शिव समुद्रम वाटरफॉल कहां पर स्थित है? दोस्तों कर्नाटक
में शिव समुद्रम वाटरफॉल है, कावेरी नदी पर है ये। शिव समुद्रम वाटरफॉल 91 मीटर ऊंचा है और इसी के तट पर बना हुआ है एक मंदिर जिसे कहते हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर नहीं है, रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम में है, रंगनाथ स्वामी मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है वह इसी शिव समुद्रम वाटरफॉल के बगल में बना हुआ है। बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है परंतु है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा पुराना पर्वत कौन सा है? और इसका सही आंसर है अरावली। अरावली न सिर्फ की भारत का बल्कि विश्व के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, अरावली जो है वह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? मैंने कहा था आपको, ज्वार नदमुख का निर्माण वही करेगी जो पश्चिम की ओर बहेगी, और सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। 1312 मीटर लंबी नदी है, किलोमीटर 1312 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका लगभग 1000 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश में है और 300 किलोमीटर के आसपास गुजरात में। सरदार सरोवर बांध, बरगी बांध, ओमकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ये सभी परियोजनाएं नर्मदा नदी के ऊपर ही बनी हुई हैं। दक्षिण भारत की पश्चिमी बहाव नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? चंबल और बेतवा तो है नहीं, दामोदर और महानदी हो ही नहीं सकती, नर्मदा और ताप्ती ये हो सकती है, और कृष्णा और कावेरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती ये हमारे दक्षिण भारत की पश्चिमी बहाव की नदियां तो नहीं है, पर हाँ ये कह सकते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया की हैं, मध्य भारत में बहती हैं, दक्षिण भारत में भी नहीं है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़े तो एक और प्रश्न है, तिब्बतियन जो नदी सैंगपो है वह भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो तिब्बती नदी है जिसका नाम है सैंगपो, और सैंगपो भारत में घुसती है अरुणाचल प्रदेश से। कहां से घुसती है भैया? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में जब सैंगपो घुसती है तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, जिसमें सियांग आकर मिलती है, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते हुए चली जाती है असम की तरफ। असम में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अब दोस्तों आपके लिए एक जानकारी फिर से दे देता हूं, और इन जानकारियों को थोड़ा सा अच्छे से याद भी कर लेना, आपके लिए अति महत्वपूर्ण और अति उपयोगी है। मैं उस जानकारी पर फिर से आता हूं जो है आपके लिए जरूरी। कहाँ चली गई वो जरूरी जानकारी? अभी अभी तो आपको दे रहा था मैं उस जानकारी को। ये जो समाधान बैच है ना, ये समाधान बैच सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, इसमें पीडीएफ जब आपको नहीं मिलेगी तो आप हमको सोशल मीडिया पर सर्च करिएगा, और सोशल मीडिया पर सर्च करके आप हमको पूछ लीजिएगा पीडीएफ, तो हम आपको पीडीएफ वहां पर दे देंगे, कहीं पर भी सोशल मीडिया में। देखो दोस्तों, Y263 यही कोड का उपयोग करेंगे तो ये जो बैच है ये बैच आपको 200 रुपए में मिल जाएगा। और आप खुद ही सोचिए कि अगर पूरी जीएस कोई 200 रुपए में आपको पढ़ा दे, अपने आप में बड़ी बात है ना, तो 200 रुपीज के आसपास आप ये पूरी की पूरी जीएस पढ़ सकते हैं इससे, और ये समाधान बैच आपको मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो आने वाले एग्जाम की, 2024 अति महत्वपूर्ण है, कैलेंडर आ चुका है, 2024 के कैलेंडर के हिसाब से याद रख लीजिएगा कि अब आपको करना है वो काम जो काम अभी तक आपने किया नहीं है, क्योंकि आप जो आज तक करते आए हैं अगर आपको उससे वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं, अब आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया है। और इसीलिए कह रहा हूं मैं कि ऑल कोर्सेज पर जाइए, ऑल कोर्सेज से एसएससी पर जाइए, और एसएससी से सीजीएल पर पहुंचिए। जैसे ही आप एसएससी से सीजीएल पर पहुंचेंगे दोस्तों, सीजीएल सीएचएसएल का महापैक, उसके अलावा एसएससी सीजीएल का महापैक, एसएससी का महापैक, ये सभी के सभी आपके लिए मिनिमम कॉस्ट पर मौजूद हैं। 6344 टेस्ट सीरीज, 1853 ई बुक्स, 9779 वीडियोस और 2000 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास, ये सब आपको मिलता है बिल्कुल एकदम परफेक्ट दामों में। और इतना सब कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अपने सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जीडी सिलेक्शन पोस्ट स्टेनोग्राफर इन सब तैयारियों की टेंशन ही छोड़ दो, और अगर इनकी टेंशन छोड़ दी तो काम बन गया बबुआ। तो एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बेस्ट वे जिससे आप तैयारी कर सकते हो, बेस्ट वे यही है। और ये याद रखना, एक्सपर्ट फैकल्टी, इंटरेक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, लिमिटेड बैच साइज, ये सब आपको मिलेगा। आप इसे बाय नाउ करिए, यहाँ पे कूपन ऑलरेडी लगा हुआ है JEET75, हटाइए इसको क्योंकि ये आपको 2999 का बैच दे रहा है। मैं आपको कूपन कोड देता हूँ Y263,
जैसे ही आप इसको लगाएंगे, आप देखिए ये आपको 2999 की जगह 2759 में मिल जाएगा। अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लें तो ये आपको 2640 का ही मिल जाएगा। तो ऐप इंस्टॉल करिए तो ऐप में मिल जाते हैं कॉइन। ऐप की लिंक देखिए कमेंट सेक्शन पे लगी हुई है ना ब्लू कलर से, ठीक है। तो याद है ना, याद रख लो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में ब्लू कलर से लिंक लगी हुई है। तो दोस्तों एक कूपन कोड लगाइए और वो कूपन कोड है Y263 और Y263। ऐप में कॉइन के साथ जो आपको डिस्काउंट देगा वो डिस्काउंट हो जाएगा टोटल 2640 मात्र में, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो ख्याल रखो अपना दोस्तों, आज भारत को शुभकामनाएं और वर्ल्ड कप आ जाए, और फिर उसके बाद हम लोग कल से फिर ताबड़तोड़ पढ़ाई करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।